और मदनलाल भाईजान क्या हाल है? बढ़िया भाई सलीम, तू बता। ठीक भी है? हाँ भाई ठीक हूँ। और भाई सलीम कैसा आना हुआ? तुम्हें कुछ खबर भी है क्या? गुल खिला रहे हैं हमारे बच्चे? राहुल कह तो रहा था। उन दोनों को मिलने से रोकना होगा, नहीं तो ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना हमारे लिए अच्छा होगा। तुम भी अपनी लड़की को समझाओ, हम भी अपने लड़के को समझाएंगे। मदनलाल, इन दोनों का मिलना ना हमारा समाज बिल्कुल मंजूर नहीं करेगा। समाज आपका नहीं, समाज तो हमारा भी नहीं करने देगा। और मदनलाल समझा ले अपने लड़के को, कल को कोई ऊंच नीच ना हो जाए। ऐसा होता है क्या कहीं? एक गांव के हम दोनों। चलो तुम भी समझाना अपनी बच्ची को और मैं भी अपने बच्चे को समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है भाई सलीम। राहुल इतने साल हो गए हमें एक साथ, अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? शादी करेंगे और क्या करेंगे? अगर हम शादी कर लेते हैं तो तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे? अरे क्यों नहीं करेंगे, मैं उनका आखिर इकलौता बच्चा हूँ। मेरी खुशी के लिए तुम एक्सेप्ट नहीं करेंगे? वो जितना प्यार मेरे से करते हैं उतना ही तुमसे भी करेंगे। तुम अपने घर वालों से बात करो और मैं भी अपने घर वालों से बात करती हूँ। ठीक है। पिताजी एक बात करनी थी। हाँ बोल। मैं ना रिया से शादी करना चाहता हूँ। मैं तुझे मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रहा हूँ, तू पढ़ने लिखने जाता है या ये सब करने जाता है? पर पिताजी मैंने रिया को बोला है हम दोनों शादी कर लेंगे। तेरा दिमाग खराब है, वो मुसलमान है और हम हिंदू। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसमें हिंदू मुसलमान वाली बात कहां से आ गई? तो कुछ भी समझ ले और कुछ भी बोल ले, ऐसा नहीं होगा। पर पिताजी। पिताजी पिताजी कुछ नहीं, जाके अपना काम कर ले। पिताजी मेरी बात तो सुनो। मुझे बात नहीं सुननी, जाके अपना काम कर। वो आपसे एक बात करनी थी। बोल। मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। रिया हमारे यहाँ शादी नहीं निकाह होते हैं, और निकाह ना अपने समाज में होते हैं। और ये जो तेरे दिमाग में गलतफहमी है ना इसको निकाल दे, इसी में ना तेरा भी भला है और हम सबका भला है, समझी? पर अब्बू मैं राहुल के बिना नहीं रह सकती। पर अब्बू हम दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया है। रिया कहते हैं ना लड़की पराया धन होती है, और पराया धन के चक्कर में ना मैं अपनी इज्जत नीलाम नहीं करूंगा। अगर हमारी इज्जत पे कोई आंच आई ना उससे पहले हम तुझे मिटा देंगे। पर अब्बू। खामोश। हमारे यहाँ शादी नहीं निकाह होते हैं, और निकाह हम करेंगे तेरा। जाओ अंदर। हाँ भाई मदनलाल बताओ क्या सोचा? मैंने ये सोचा जी, मैंने अपने लड़के तो समझा लिया, तब भी अपनी लड़की को समझा के रखो। हाँ भाई मदनलाल, भाई मैं भी तो तेरे को ये समझा रहा था, इन बच्चों का काम ठीक नहीं था। सलीम भाई अब जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा भाई अब मैं चलता हूँ, तुम अपनी बच्ची को संभालना और मैं अपने बच्चे को संभालूंगा।
कब तक यूं दूर रहोगे, कब तक दोगे सजा। आखिरी बार उसे देखने जरूर आना। उसकी आत्मा को शांति मिली।